नमस्कार, मैं हूँ रौनक और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मीडिया दरबार के खास शो खबर छोटे पर्दे से में। दोस्तों, महामारी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, इसको दूर करने के लिए खास आपके लिए एक कॉमेडी शो जल्द आ रहा है। और ये शो आप कहाँ पर देख पाएंगे और कौन कौन है इस शो में शामिल, इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगी आपको, इसलिए मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा आखिरी तक। डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon Prime पर एक नया शो शुरू होने वाला है और उस शो का नाम है LOL, हंसे तो फंसे। इस शो में इंडिया के 10 पॉपुलर कॉमेडियन को एक घर में कैद किया जाएगा और शर्त के अनुसार जो भी हंसेगा वो घर से बेघर हो जाएगा। इस शो के होस्ट बॉलीवुड के दो फेमस कलाकार हैं, अरशद वारसी और बोमन ईरानी। एक इंटरव्यू के दौरान बोमन ईरानी और अरशद वारसी ने इस शो से रिलेटेड कई दिलचस्प बातें शेयर की है। बोमन ईरानी ने कहा है कि इस शो को होस्ट करना मेरे लिए वाकई बहुत मजेदार काम रहा है, क्योंकि मेरा और अरशद का काम सिर्फ बैठकर हंसना था और शो में जो भी कॉमेडियन हंसता था उसे जाकर या तो पीला कार्ड दिखाना होता था या लाल कार्ड। मैंने तो इस शो को बहुत ही एंजॉय किया है। और फिर अरशद ने भी इस शो के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और कहा है कि मुझे तो लगता है इस शो को भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि ये शो हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आया है। हम दोनों काफ़ी दिनों से अपने अपने घरों में फंसे हुए थे और इस शो के ज़रिए हम दोनों को ना सिर्फ अपने घर से बाहर निकलने का मौका मिला बल्कि दिल खोलकर हंसने का भी मौका मिला। मैं सच कहूँ तो ये शो अपने आप में ही अलग तरह का है, जो दर्शकों ने पहले कभी ऐसा शो ना देखा होगा ना सोचा होगा। जब शो के कंटेस्टेंट्स के बारे में पूछा गया तो अरशद वारसी ने कहा कि इस शो में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, वो सब अपने आप में काफी नामचीन कॉमेडियन हैं, उन्हें लोगों को हंसाने में महारत हासिल कर रखा है। इस शो को देखकर खुद हंसने से रोक पाना मुश्किल काम होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और आगे इस शो में रिलेटेड उन्होंने ये भी बताया है कि इस शो में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, 10 कॉमेडियन जो भी बोलेंगे वो अपने दिमाग से बोलेंगे और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और इस शो का सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि आपको हंसना नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई कॉमेडियन हंसा उसे लाल या पीला कार्ड दे दिया जाएगा। जब इस शो के बारे में पूछा गया कि क्या इस शो में कोई अपशब्द का भी इस्तेमाल किया जाएगा तो अरशद वारसी ने कहा कि जी नहीं, शो की भाषा पूरी तरह से संयमित रहने वाली है, सभी अपने फैमिली के साथ बैठकर इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस शो में मेरा और बोमन का नाम जुड़ा है, इसलिए इस शो में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे हमारी इमेज को नुकसान पहुँचे। तो दोस्तों, अब आप भी इस शो को लेकर एंजॉय करें बिना किसी झिझक के। खबर छोटे पर्दे से में आज के शो में फिलहाल इतना ही, कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई खबर के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।